आज डेली व्लॉग पार्ट टू मतलब दूसरा व्लॉग है। तो टाइम हो गया है 12:30। आज थोड़ा सा लेट हो गए शुरू करने में, और जस्ट अभी मेरी क्लासेस ख़त्म हुई थी तो सोचा शुरू कर दूँ व्लॉग। लिफ्ट का काम भी नीचे शुरू हो चुका है, और आज मौसम दिखाते हैं। आज छत पे मैं पक्का जाऊँगा, लास्ट व्लॉग में नहीं जा पाए थे। और फिर मस्त मौसम हो रहा है, मतलब बारिश वाला हो रहा है, कभी भी जैसे बारिश आ जाए। चलो फिर नीचे चलते हैं। थोड़ी साइकिल में दिक्कत आ रही थी तो साइकिल को भी थोड़ी सी रिपेयरिंग की ज़रूरत है। पहले तो नीचे चल के मैं आपको दिखा देती हूँ। गाइस अब धीरे धीरे सामान खुलने लग गया है, अब ये जल्दी से लग जाएगा। साइकिल भी अभी ठीक कराने चलते हैं। कैमरा नहीं लेकर जाऊँगा क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना अगर कैमरा ले गया तो साइकिल भी मैं ठीक करवाने जाता हूँ। ट्यूशन है मेरा 1 बजे का। अगर साइकिल भी ठीक करवा कर आ गया हूँ, विशु भाई छोड़ कर आ रहे हैं अभी, क्योंकि अभी मेरी साइकिल बहुत दिन से साफ गंदी हो रखी थी, तो नहीं गंदी भी हो रखी थी, ख़राब तो हो ही रही थी। मैं अभी ब्लीचिंग्स आ गए, लिफ्ट का काम भी ऊपर शुरू हो चुका है, ड्रिलिंग वगैरह का थोड़ा सा काम चल रहा है वो चले। तो अभी लंच करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अपने काम करते हैं। और एक ही दिन का था थोड़ा सा ना, कई दिन से सुबह कह रहे थे, आज उनको बाहर जाना बहुत अच्छा लग रहा है, कई दिन से कह रहे थे कि डेली ब्लॉगिंग शुरू कर, लेकिन मैं कर नहीं रहा था। लेकिन आज जैसे लगा डे टू पे कि हाँ यार बहुत मस्त चीज़ है ये। भाई जब अच्छी खासी धूप आ गई, सारे कपड़े भी अब बाहर डाल दिए, पहले तो मौसम थोड़ा बेकार था, अब ठीक है। बस अब छत पर चलते हैं थोड़ी देर, क्योंकि अब धूप आ गई ना तो अच्छा गर्म मौसम है। चलो छत पर चलते हैं। पूरा का पूरा गंदा हो चुका है, ऊपर काम चल रहा है। अब हम पूरी दीवार तोड़ के रख दी। यहाँ का मौसम अच्छा है लेकिन बहुत आवाज़ आ रही है, आज कभी अच्छी धूप से ही निकली हुई है। गाइस अब शाम को 4:30 बज चुके हैं, और मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। सारा लैपटॉप मैं यहाँ पर ले आया हूँ, लैपटॉप माउस वगैरह, और अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। 6-7 बजे तक मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद अब बैठ जाते हैं। जब से ट्यूशन से मैंने शूज़ ही नहीं निकाले अपने आज बाहर, क्योंकि आज बाहर बहुत गंदा गंदा सा हो रहा था, पूरा डस्ट हो रहा था क्योंकि ड्रिलिंग की ना, इसलिए। तो अब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और गाइस अब चैलेंज मैंने अपने लिए ही रखा है, सबसे पहले तो हफ्ते का, कि हफ्ता डेली ब्लॉग का, कि हमसे किया जाता है या नहीं किया जाता। और उसके बाद चैलेंज बढ़ाते जाएंगे, हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल। गाइस उसी हिसाब से आप सब्सक्राइबर भी करो, बढ़ाओ सब्सक्राइबर हमारे जल्दी से जल्दी, प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए, धन्यवाद। गाइस उठना तो गाइस 6 बजे था, लेकिन 7 बज चुके हैं, 7:30 हो चुके हैं, और मैं अब जाके उठाऊँ तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश होने के लिए थोड़ी सी देर, मतलब कुछ 5-10 मिनट मैं माइंड क्राफ्ट खेल रहा हूँ। मेरे बस ना अपने डेली व्लॉग सक्सेसफुल रहे तो मज़ा आ जाएगा, मतलब हो ही सा। ओके गाइस, मेरे गाइस गेम भी शुरू हो चुकी है, तो अभी तो मैं काम करता हूँ, अभी तो मैं थोड़ी सी देर गेम खेलता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता है। अगर कहीं जाते हैं तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। गाइस अभी मंदिर जाते हैं, वैसे उनको मैं बोलता हूँ जल्दी तैयार हो, फिर जल्दी से मंदिर हो जाते हैं ताकि फिर जल्दी जल्दी हो जाए सब, सो भी जल्दी। जब ये रूम से जाते हैं ना तो हल देखो, और कल कितनी मस्त थी। गाइस मैं तो गाइस बहुत देर से गाइस उनका वेट ही कर रहा हूँ, टाइम क्या हो गया। ओहो एक तो ये वॉच बंद पड़ी है, इसको सेल डाल लें, तो जल्दी से वो आए ताकि हम लोग चलें जल्दी से। मैं तो तैयार खड़ा हूँ भाई।
गाइस बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और फिर कई लोगों ने आगे बिठा दिया। गाइस अब हम लोग आगे सेक्टर 14 में यहाँ की दूध और जलेबी खाने क्योंकि ठंड हो रही थी। अभी बताते रहते मैंने भी आज ट्राई किया आने का तो मैं भी आ गया। और गाइस गजब की ठंड हो रही है। मैं ऋषु है और हमारे साथ हमारे भैया है तो हम लोग आ गए वहाँ पर। गाइस अपना दूध तो आ गया है जलेबी का वेट। गाइस अब ये कैमरा ना मैंने आज सुबह से दे रखा है अपने, कल भी होगा परसों भी होगा और आज मैंने इसे बैग से मैंने कल निकाल रहा कल से बैग यहीं पर ही रखा हुआ है पूरा का पूरा। आज मैंने इसके सेटअप नहीं दिया कल मतलब संडे को मतलब वही कल मैंने इसको थोड़ा सा भी सेटअप नहीं लिया था कुछ भी एक माइक भी नहीं डाला था। फिर मेरे को लगा कि यार माइक की थोड़ी सी हमें ज़रूरत है तो फिर ट्राईपॉड सब कुछ ही दे दिया। तो बस टाइम हो रहा है पता नहीं देख लेता हूँ टाइम 10 बज गया और खाना वगैरह सब खा लिया है। अब मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ 10 से 11 11:30 तक पढ़ लूँगा उसके बाद एडिटिंग करके सो जाएंगे। कल जब मैंने व्लॉग एंड किया था उसके बाद ड्राइंग रूम में गया वहाँ पे लैन कनेक्ट करके जल्दी हो जाता है तो उससे मेरी वीडियो गई थी एग्जैक्ट मतलब मैंने एक बज गए थे अराउंड तब मैं सो गया था। तो आज भी 11:30 तक एडिटिंग कोशिश करूँगा जल्दी एडिटिंग ख़त्म कर दूँ। तो पढ़ने बैठ जाते हैं कपड़े चेंज करते हैं नाइट सूट में आ जाते हैं मस्त। अभी इस टाइम मेरे साथ क्या सीन होता है पूरा मस्त चेंज करके गर्म पानी के पाखों में बॉटल हो जाती है और भाई बस और कुछ ये नहीं। एक मैं लेक्चर देखूँगा काम निपटा कर फिर एडिटिंग करने बैठते हैं। सब कुछ यहीं लेकर जाऊँगा बैठूँगा लैपटॉप चार्जर माउस सब कुछ यहीं पर। तो चलते हैं बैठते हैं बस यार अब काम शुरू करते हैं नहीं तो लेट होते रहेंगे फिर सोने में वही लेट। और आज सुबह मैं 8:30 उठा था नहीं हाँ शायद याद नहीं उनको 8:30 ही उठा था। तो चलो गाइस जल्दी से काम पे लग जाता हूँ मैं। गाइस 12:15 हो गए और ऑलमोस्ट पूरा का पूरा व्लॉग हो चुका है एडिट। अब इसको भी मैं जल्दी से सुबह के लिए शेड्यूल कर दूँगा। वेल एडिटिंग भी कंप्लीट हो गई है अब बस मैं इसको अपलोडिंग पे लगा कर रहूँगा शेड्यूल करने जाऊँगा। मेरे को भी अब नींद आने लगी है वेल आज के तहत इतना व्लॉग जितना आप लोगों ने देखा अब इसके आगे अगले व्लॉग में देखना है क्योंकि डेली व्लॉगिंग का अब चैलेंज चल रहा है हमारा हफ्ते वाला। तो आज के लिए इतना यार अगले व्लॉग मिलते हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सी यू नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं गाइस बाय। 2-9 everyone.